हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी YT स्टूडियो के अंदर बहुत बड़ा एक इशू आ रहा है, बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम आ रहा है। पहले मैं आपको प्रॉब्लम दिखाऊंगा, उसके बाद इस प्रॉब्लम के बारे में बताऊंगा एंड इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करना है ये मैं बताने वाला हूँ। अभी देख सकते हो कि मैं अपना YT स्टूडियो ओपन किया हूँ एंड यहाँ पे अपने YT स्टूडियो के एनालिटिक पे आ चुका हूँ। एनालिटिक पे आने के बाद अब नीचे आते हैं। नीचे यहाँ पर हमारे रियल टाइम व्यूज़ जो होते हैं वो 48 घंटे के अंदर जो जितने भी व्यूज़ आते हैं वो यहाँ पर देखने को मिलता है। अब यहाँ पर रियल टाइम व्यूज़ पे जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या है, कुछ इस तरीके का इंटरफेस यानी ऑप्शन लिखा हुआ आ रहा है। व्यूज़ डाटा इज़ अंडर रिपोर्टेड फॉर सम डेट्स 20 फरवरी 2024, ये लिखा हुआ आ रहा है। एंड मेरा जो व्यूज़ है वो कम यहाँ पे काउंट हो रहा है। देख सकते हो पहले मेरा व्यूज़ ज़्यादा आ रहा था, लेकिन 20 तारीख के बाद से जो मेरा व्यूज़ है वो थोड़ा यहाँ पे कम गया है। तो ऐसा क्यों हो रहा है एंड ये क्यों देखने को मिल रहा है, या फिर जब आप लोग कॉन्टेंट में आओगे, कॉन्टेंट में आने के बाद जब आप लोग अपने वीडियो के कंटेंट पे जाओगे, वीडियो के कंटेंट पे जाने के बाद ये प्रॉब्लम आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा। मैं आपको यहाँ पर भी दिखा सकता हूँ। देख सकते हो मैं वीडियो के एनालिटिक पे आता हूँ। वीडियो के एनालिटिक पे आने के बाद मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ व्यूज़ पे। अभी रियल टाइम व्यूज़ पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर वीडियो बाई वीडियो भी यही देखने को मिल रहा है, डाटा इज़ अंडर रिपोर्टेड फॉर सम डेट्स। अभी प्रॉब्लम क्यों आ रहा है एंड इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करना ये जानने वाले हैं। तो ये प्रॉब्लम इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी YT स्टूडियो में बहुत बड़ा ग्लिच आया हुआ, जिस ग्लिच के कारण ये प्रॉब्लम आ रहा है। ऐसा नहीं कि ये प्रॉब्लम पहली बार आ रहा है, ये प्रॉब्लम पिछले बहुत बार भी देखने को मिल चुका है। हो सकता है कि आपको ये पहली बार देखने को मिला हो इसीलिए आप यहाँ पे ज़्यादा घबरा गए होंगे, लेकिन हमें बहुत बार ये प्रॉब्लम देखने को मिल चुका है। ऐसा नहीं कि ये पहला बार हो रखा है। अगर इस प्रॉब्लम को फिक्स करना है तो आपको क्या करना होगा, सो आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना, YT स्टूडियो का एप्लीकेशन मिलेगा यहाँ पर क्लिक करके रखना है। देन आपको ऐप इन्फो का ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर क्लिक करके रखना है। देन यहाँ पर स्टोरेज यूजेज का ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर क्लिक कर देना है। देन यहाँ पे क्लियर डेटा एंड क्लियर कैच कर लेना है। देन आपको फिर से वो अपने YT स्टूडियो में लॉगिन हो जाना है। अब इतना करने के बाद अब आपको क्या करना, चले जाना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना YT स्टूडियो। YT स्टूडियो सर्च करने के बाद आपको अपने YT स्टूडियो को अपडेट कर लेना है, अगर आपका YT स्टूडियो अपडेट मांग रहा होगा तो। लेकिन हो सकता है कि इतना कुछ करने के बावजूद आपका ये प्रॉब्लम फिक्स नहीं हो, तो इससे आपको बिल्कुल नहीं घबराना है क्योंकि ये ग्लिच है, ये आपके फ़ोन वगैरह में ग्लिच नहीं है, YT स्टूडियो एप्लीकेशन के ही अंदर ग्लिच आ रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम है वो खुद से फिक्स हो जाएगा, बस आप लोग 1 से 2 दिन वेट कीजिए। ये प्रॉब्लम जैसे YouTube को पता चलेगा उसके बाद YouTube इस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द फिक्स कर देगा। सो आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि किनके YT स्टूडियो के अंदर ये प्रॉब्लम आ रहा है। फिलहाल वीडियो नॉलेज वाल लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करना।